तले खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा मन भिक्षा चाहिए दे जा तले उतरे के परे खड़ा क्यों रुकने मारे चढ़ जा जीने पर के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तले उतरे के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तले उतरे के नहीं ले सकते। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद और फिर सन्यास ले ले वो जोगी ही हुआ करता है। अब इस मेरा गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पिया जी आपने भले ही जोग धारण कर लिया हो लेकिन अपने पिया को कोई भी पतिव्रता नारी भाई या बेटा नहीं कह सकती। सुनिए कहिए रहा है इस भारतवर्ष का और इस समाज का, इस हिंदू समाज का साथी। माता के एक बोल कहने पर जोग धारण कर लिया। 16 रानी थी और 12 कन्या थी, साथियों छोड़ दिया। आज कोई माँ किसी बेटे से यदि एक गिलास पानी मांग ले तो बेटा दादाजी चार काम बता देगा। और वो भी एक किसी का बेटा था कि माँ ने एक बात कही थी उसी बात को पत्थर की लकीर मान करके और जोग धारण कर लेता है। दूसरे नंबर पे क्या समझाने लगा और क्या कहने लगी पाठक ने। चलो हंस के काट ज्ञानी
पति के मन बता दे, बिना पति के मन बता दे, पैर दिखा दे मर के। ए सबर का मुक्का, सबर का मुक्का मार लिए तू करड़ी छाती कर के, करड़ी छाती कर के। एक मुट्ठी मन वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें। ना वक्त रहा ना वक्त की बात, वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। रानी पाटंबे, अब तुझे पूरा राजपाट और ये जो कार्यभार है ये पूरा तुझको ही संभालना। अच्छा हाँ। साथियों, तीन कली आपके बीच में इस रागनी की हुई है। तीनों कलियों पर किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल कांटे की और तोड़ की, और कली कवि ने, क्योंकि लास्ट कली में कवि अपने पूरे मन से और पूरे दिमाग से लास्ट कली को लिखा करता है। साथियों, क्या लिखा था लास्ट कली में, तोड़ करते हुए क्या लिखा भला कवि ने, आइए।